वेलकम टू माय ब्लॉग। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं अपना फर्स्ट डोज लगवाने जा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत अटेम्प्ट किए, तब जाके मेरा स्लॉट बुक हुआ कोविन वेबसाइट पे और मुझे 9 to 11 का स्लॉट मिल चुका है। धार डिस्ट्रिक्ट में स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे, मतलब 2 या 3 सेंटर्स अवेलेबल थे, बट धार दूर भी पड़ता है तो इंदौर का बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है कि आप इंदौर के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो मुझे आज फाइनली इंदौर का मिल गया है। एनी बेसेंट स्कूल जा रहा हूँ जो कि अन्नपूर्णा रोड पर है, तो वहां पे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वहां की सिचुएशन कैसी है और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। और एक और चीज मुझे पता लगी है कि वहां जाने के बाद भी आपको टोकन लेना पड़ता है, टोकन लेने के बाद लाइन में खड़े रहना पड़ता है, फिर जब आपका नंबर आता है तब जाके आपको फाइनली डोज लगता है। और दूसरी चीज ये कि मैं आपको अपने वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैंने जो स्लॉट है वो कैसे बुक किया। कम से कम मैंने 8 या 10 अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद जाके मेरा स्लॉट फाइनली बुक हो गया। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि मैंने अपना स्लॉट कैसे बुक किया और कैसे क्या सारी चीजें करी है। तो लेट्स गो। सबसे पहले तो वैक्सीन लगवाते हैं, फिर आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं यहाँ पे एनी बेसेंट स्कूल में और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ से सभी लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग एक बेंच पे, शायद 2-2 लोग बैठे हुए हैं ये देखिए यहाँ पे। और ऐसा इन लोगों ने किया है, जिसका 9 से 11 का स्लॉट है वो लोग इस साइड बैठे हैं और जो 11 के बाद है उन लोगों को यहाँ पे बैठना है। और अपनी कुर्सी ये रही भैया, और सही में चक्कर तो नहीं आएंगे घर जाते टाइम? ब्रेकफास्ट करके आया हूँ लगवा के। फाइनली मुझे वैक्सीन लग गया है और बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद। और जैसे कि उन्होंने मुझे कहा है कि ऐसे डर की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि चक्कर नहीं आएंगे, ऐसा वैसा कुछ होगा तो नहीं। तो यही चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि उन्होंने खुद ने, जो नर्स अंदर बैठे जिन्होंने मुझे वैक्सीनेट किया है, उन्होंने खुद ने भी कहा है कि हम खुद वैक्सीन लगवा के आधे घंटे रेस्ट किया, उसके बाद हम भी अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद ड्यूटी पर चले गए। तो हमें भी हमारी ड्यूटी पूरी करनी है, रजिस्ट्रेशन कराइए, वैक्सीनेशन सेंटर तक आइए और वैक्सीन लगवा के यहाँ पे 10 मिनट वेट करिए और फिर जाइए। मुझे जैसे कि उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट रुकिए और फिर चले जाइए। और वैक्सीन लगवाने के बाद सही में बहुत ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। मतलब सुबह से तो ऐसा लग रहा था कि कोई सी एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं, कि यार चलो चलो जल्दी चलो, पापा ऑर्डर जल्दी जा, टाइम पे पहुँचना, 9 से 11 का स्लॉट है तो लेट मत होना, ऐसा वैसा। वो टोकन वाली चीज़ अलग उनके दिमाग में चल रही थी कि जा जल्दी जाके टोकन ले ले और जाके जल्दी से लगवा के आ जा। तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं, भीड़ भड़क का नहीं है जब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें हुई है। बस रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब रजिस्ट्रेशन करने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्लॉट सेलेक्ट करने में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपनी प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने कैसे रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद मुझे कैसे स्लॉट मिला 9 to 11 का, और मतलब 9 to 11 की बात नहीं, मतलब सारे जो स्लॉट्स मुझे कैसे मिल सकते हैं, हम कैसे मिल सकते हैं, तो मैं उसकी प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मली बता रहा हूँ और अगर आपको इन प्रैक्टिकल सारी चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे एक लिंक पॉपअप हो रही है, तो अभी वाले वीडियो में जाके पूरा इन डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोविन अपने सिस्टम पे या लैपटॉप पे खोल लीजिए। कोविन जैसे खोलेंगे आप अपने फ़ोन नंबर से OTP से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को वहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी सारी, कि डिस्ट्रिक्ट अगर आप किसी और अदर स्टेट में तो वहाँ पे स्टेट और फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, प्लस आप पिन कोड से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो पिन कोड से सर्चेस करने वाली सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे एक टेलीग्राम का ग्रुप मिला है, जिसके अंदर वो लोग जैसे स्लॉट्स खाली होते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट मैसेज आया था। तो वाला ग्रुप की जो लिंक है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और अगर आप लोगों के अंदर से थोड़ा भी डर गया है कि नहीं यार वैक्सीन लगवाना ही चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जल्द से जल्द मैं सब लोगों को कहता हूँ कि जल्दी से वैक्सीनेट हो जाओ, हम लोगों के इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सभी लोगों के लिए अच्छा है कि सब लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।